दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन 10 लोगों के बारे में जो साल, महीने या हफ्ते का नहीं बल्कि सेकंड सेकंड का मोटा पैसा कमाते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि वह कई देशों को एक साथ बिठाकर खिला सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास इतनी दौलत है जितनी कई देशों की GDP नहीं है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का मालामाल वीडियो, यानी कि मजेदार वीडियो जो आपके लिए काफी रोचक होने वाला है। नंबर 10, मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे अमीर शख्स और दुनिया की एक पावरफुल पर्सनालिटी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ फोर्ब्स के मुताबिक $90.7 बिलियन से भी ज्यादा है, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 6,99,000 करोड़ रुपए। चाहे दुनिया का कोई भी सेलिब्रिटी हो या फिर फिल्म स्टार, इनके आगे सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। मुकेश अंबानी एशिया की सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर लगभग 160 कंपनियां और 7 एसोसिएट कंपनीज हैं। आज शायद ही कोई ऐसा फील्ड है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी परिवार के पास 46.32% हिस्सेदारी है और बाकी 53.8% हिस्सेदारी दूसरे शेयर होल्डर्स की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेन शेयर होल्डर में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है, जिसकी हिस्सेदारी 7.98% है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल कमाई में 76% रेवेन्यू रिफाइनिंग, 19% रेवेन्यू पेट्रोकेमिकल और 2% ऑयल और गैस और बाकी का 3% दूसरी कंपनी की हिस्सेदारी है। कंपनी में अपने हिस्सेदारी की वजह से ही मुकेश अंबानी इंडिया और एशिया के सबसे अमीर इंसान है। नंबर 9, स्टीव बॉलमैन। माइक्रोसॉफ्ट को ऑपरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके ऑफिसर स्टीव बॉलमैन दौलत की इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले दुनिया के 9वें व्यक्ति है। आज की तारीख में उनकी कुल संपत्ति $91.4 बिलियन से ज्यादा की हो गई है। 1956 में डेट्रॉइट में जन्मे बॉलमेर के अमीर बनने की कहानी किसी फिल्म जैसी है। वही 1980 में माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बने और 2014 तक फिजिकली कंपनी के साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट लेवल एनर्जी के भंडार स्टीव बॉलमेर माइक्रोसॉफ्ट को बहुत पसंद करते हैं और कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं। वह बिल गेट्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं। यही वजह रही है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ऐसे दौर में संभाला जब गेट्स और कंपनी पर संकट मंडरा रहा था। उन्होंने 14 साल CEO का पद संभाला और 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया। वैसे मौजूदा वक्त में लॉस एंजलस क्लिपर्स बास्केटबॉल टीम के ऑनर भी है। नंबर 8, लैरी एलिसन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल के मालिक लैरी एलिसन मौजूदा वक्त में दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी है। आज की तारीख में लैरी एलिसन $106 बिलियन के मालिक है, जो इन्हें दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। बता दें कि एलिसन ने सबसे पहले अपने साथियों के साथ मिलकर STL नाम के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। इसका पूरा नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी था। फिर 1983 में इस कंपनी के प्रोडक्ट ओरेकल डेटाबेस के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया। ओरेकल सिस्टम को ऑपरेशन और फिर 1995 तक आते आते इसका नाम बदलकर ओरेकल को ऑपरेशन कर दिया गया। वक्त के साथ इस कंपनी ने काफी शोहरत कमाई और आज ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसी के साथ ही 77 वर्षीय लैरी अमेरिका के 10वें सबसे बड़े आइसलैंड के मालिक भी है। खास बात यह है कि लैरी एक दानी व्यक्ति है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वह अपनी कंपनी का 1% प्रॉफिट दान करते हैं, जो करोड़ों में है। नंबर 7, सर्जी ब्रिन। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट सर्गी ब्रिन गूगल के को फाउंडर है और अमीरों के लिस्ट में ये 7वें स्थान पर मौजूद है। इनकी कुल संपत्ति $107 बिलियन से ज्यादा की है। सर्गी ब्रिन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर्गी ब्रिन वही शख्स है जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल को दुनिया की दिग्गज कंपनी बनाया। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज गूगल का क्या रुतबा है, ये दुनिया की टॉप सर्च इंजिन कंपनी बनी हुई है। नंबर 6, लैरी पेज।
दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल के संस्थापक लैरी पेज के पास इस समय 111 बिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है, जो उन्हें दुनिया का छठा सबसे अमीर इंसान बनाती है। वैसे लैरी पेज का काम हमेशा सर्गी ब्रिन के साथ एक नया रंग लेकर आता है। दोनों को उम्र भर गूगल के इन्वेंशन के लिए याद किया जाएगा। यही नहीं, दोनों ने एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड सर्च रैंकिंग एल्गोरिदम भी तैयार किया था, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। वैसे गूगल ने साल 2006 में अरबों की डील कर यूट्यूब को खरीदा था, जिसे आज भी इनकी काफी कमाई होती है। नंबर 5, वॉरेन एडवर्ड बफेट। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ वॉरेन बफेट का नाम भी दुनिया के 10 सबसे अमीरों के लिस्ट में आता है। मौजूदा वक्त में इनके पास 118 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और ये दुनिया के 5वें सबसे धनी व्यक्ति है। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन नॉलेज के कारण वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर माना जाता है। वॉरेन बफेट के स्टॉक्स कई नामचीन कंपनियों में, जैसे एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका आदि में। वही बर्कशायर हैथवे का स्टॉक वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है। नंबर 4, बिल गेट्स। पिछले लंबे वक्त तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके बिल गेट्स अभी अमीरों की लिस्ट में चौथे स्थान पर है। इनके पास अभी कुल संपत्ति 129 बिलियन डॉलर की है, जो इन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर इंसान बनाता है। इनकी मुख्य आय का स्रोत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जिसके ये संस्थापक है। इसके अलावा बिल गेट्स ने कई सारे अन्य क्षेत्रों में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि रिटेल, साइंस, एनर्जी, इंजीनियरिंग, और इसके साथ ही उन्हें 70 से 80 के दशक में माइक्रो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन का बायोनियर माना जाता है। 1975 में गेट्स और पोल एलन ने अल्बकर्क न्यू मैक्सिको में एक किराए के कमरे में माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था, और 1977 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और ये माइक्रोसॉफ्ट बन गई। जिसके बाद उन्होंने इतनी शोहरत कमाई कि जब बिल गेट्स 32 साल के थे, तब उनका नाम अरबपतियों की फोर्ब्स लिस्ट में आ गया। बता दें कि बिल गेट्स आज जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है, जिसमें स्विमिंग पूल सहित सभी सुख सुविधाएं मौजूद है। गौर करने वाली बात यह है कि बिल गेट्स के पास भले कई बिलियन डॉलर्स हो, लेकिन उनके हर बच्चे को केवल 10 बिलियन डॉलर ही मिलेंगे, क्योंकि बिल गेट्स बच्चों के लिए बहुत बड़ी रकम छोड़ने के पक्ष में नहीं है। नंबर 3, बर्नार्ड अर्नोल्ट। फ्रेंच बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट इस लिस्ट में अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि वे 2021 में पहले स्थान पर भी पहुंचे थे, लेकिन शेयरों में गिरावट के कारण इन्हें नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी मौजूदा वक्त में इनकी कुल संपत्ति 158 बिलियन डॉलर है। फ्रेंच इन्वेस्टर और LVMH के चेयरमैन और सीईओ अप्रैल 2018 में जारा एवेनिकॉन्टिका को पीछे छोड़ फैशन सेक्टर में सबसे अमीर आदमी बने थे। बता दें कि LVMH एक लग्जरी ब्रांड है, जो कि बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि वॉचेस, कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम बनाती है। लुईस विंटोन के अलावा बर्नार्ड के पास क्रिस्टन डियोन और गिवंची जैसे ब्रांड है। LVMH के 72 साल के मालिक बर्नार्ड लुईस विंटोन सेफोरा जैसे 70 ब्रांड का अंपायर संभालते हैं। क्रिस्टन डियोन में बर्नार्ड की 96.5% की हिस्सेदारी है, जबकि LVMH में बर्नार्ड और उसके परिवार के पास करीब 46% हिस्सेदारी है। नंबर 2, जेफ बेजोस। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस 2021 में आधे साल तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर थे, लेकिन वर्तमान समय में वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति 171 बिलियन डॉलर है। अमेज़न को उन्होंने साल 1994 में शुरू किया था। शुरुआत में उनकी कंपनी सिर्फ किताबें बेचा करती थी, लेकिन आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। अमेज़न के अलावा बेजोस ने साल 2000 में एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सर्विसेज कंपनी फाउंड की, जिसका नाम ब्लू ऑरिजिन है। ये कंपनी डिफरेंट वैरायटीज और टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही, जैसे वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग्स व्हीकल्स पर। जेफ बेजोस की जिंदगी से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि इन्हें अपनी पत्नी से तलाक लेना काफी महंगा पड़ा था। 2019 में उन्हें सेटलमेंट के लिए 38 बिलियन डॉलर देने पड़े थे, जिससे जेफ बेजोस की नेटवर्थ में गिरावट आ गई थी। नंबर 1, एलन मस्क। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, जो किसी भी तरह से इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है।
इनका नाम अपने आप में एक ब्रांड है और इनका काम सबसे जुदा है। हम बात कर रहे हैं आज के समय के एडवेंचरस और इनोवेटिव बिजनेसमैन एलन मस्क की। इनकी कुल संपत्ति आज की तारीख में 219 बिलियन डॉलर है। 21वीं शताब्दी के सबसे क्रांतिकारी लोगों में शुमार एलन मस्क दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। उनकी दौलत एक बार 300 बिलियन डॉलर के पास पहुंच गई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनकी दौलत इतनी थी कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों की अर्थव्यवस्था इनकी दौलत के सामने कम पड़ गई थी। इसकी वजह एलन मस्क का हर वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर वह चाहे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार हो या स्पेस में बस्ती बसाने की सोच, एलन मस्क हर जगह जबरदस्त है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर को कई साल आगे ले जाने वाली टेस्ला कंपनी के अलावा एलन मस्क की दूसरी सबसे फेमस कंपनी स्पेसएक्स है, जो स्पेस यात्रा को आसान बनाने के लिए काम में लगी हुई है। साथ ही एलन मस्क की बोरिंग कंपनी जमीन के नीचे वर्ल्ड क्लास टनल बना रही है, जिसका मकसद सड़कों पर बढ़ रहे हैवी ट्रैफिक को कम करना है। वहीं न्यूरोलिंक कंपनी फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप लोगों के लिए मशीन तैयार कर रही है। साथ ही ओपन एआई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। बेस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।